नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। आखिर क्यों अपने बनाए कानून पर ही सरकार की ईमानदारी डोल गई? सुदेश महतो, पेपर लीक मामले की जांच के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाने की मांग की। भ्रष्टाचार के सवाल पर सरकार के पास जवाब नहीं, इसीलिए मौन है। रांची विधानसभा के चतुर्दश विशेष सत्र में 5 फरवरी को उप पूर्व मुख्यमंत्री सह आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने सदन में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच और कार्यवाही को लेकर विधानसभा प्रस्ताव लाने की मांग की है। इस दौरान पेपर लीक से जुड़े कानून की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने कहा, इस कानून के बारे में बताते हुए कहा है कि इस कानून में पेपर लीक होने और नकल से जुड़े मामलों पर बगैर प्रारंभिक जांच के एफआईआर और गिरफ्तार करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन आज इतने दिन बीत जाने के बाद भी पेपर लीक मामले पर सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। दरअसल अपने बनाए गए कानून पर ही सरकार की ईमानदारी पूरी तरह से डोल गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, फिर भी सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, सिर्फ हाथ पर हाथ धरे ही बैठी है। उन्होंने कहा कि आज सभी सदस्य एकमत होकर पेपर लीक मामले की जांच का प्रस्ताव लाए हैं। युवाओं के हक, अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा हेतु प्रस्ताव पारित कर मुख्यमंत्री इतिहास बनाए। सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि आज सदन में सरकार ने बहुमत साबित किया है, यह विश्वासमत सदस्यों के संख्या आधार पर हुआ है, सवालों पर नहीं। जिस सवाल पर सरकार के अंदर यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उसका जवाब उनके पास नहीं है। सदन में सरकार का भ्रष्टाचार के आरोप पर मौन रहना यह जाहिर करता है कि हम सभी संविधान के दायरे में काम करते हैं, संविधान के तहत गठित एजेंसियों का आदर होना चाहिए और उन्होंने विपक्ष जांच करने का अधिकार है। मैं आज इस सरकार में कार्यों के बारे में चर्चा भी मैं उसके पीछे मैं कार्यों की चर्चा नहीं करेंगे। कार्यों का हिसाब जब समय आएगा तो निश्चित रूप से जब जनता के पटल पर जाएंगे तो लोग चर्चा करेंगे, अपनी उपलब्धि लोग बताएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के परिस्थिति और भाव, मैं सारे आरोप को अगर एक किनारे भी कर देते हैं तो सच्चाई यही है कि भी एक बात तो ठीक, मेरे अनुकूल एक चीजें थी, मैं जो सोचता था राज्य के अंदर में कि सरकारी पूरा शासन जनता के बीच में जाए और जवाबदेह शासन हो, ऐसा हर लोग चाहेंगे, पूरा सदन के लोग चाहेंगे। उनका जनता दरबार का कार्यक्रम, पंचायत का कार्यक्रम मैं व्यक्तिगत नहीं छोड़ता था, मेरी कोशिश होती थी। मैं पहले भी गांव की सरकार का बल देता था और मेरी कोशिश होती थी कि मैं वहां जाऊं और वहां लोगों का काम हो जाए और उसमें खुशी होती। लेकिन आप देखेंगे तीसरा बार इस तरह का कार्यक्रम आहूत हुआ, लेकिन पहले दो कार्यक्रमों का कोई लेखा जोखा नहीं, लोगों के आवेदन का कोई सम्मान नहीं और उसके बारे कोई डाटा नहीं, निष्पादन हो गया। मैंने पूछा एक अधिकारी से, आप लोग लिखते हैं कि निष्पादन हो गया, मैं बोला निष्पादन किसको कहते हैं? उन्होंने कहा कि निष्पादन हम लोग इसको कहते हैं कि आवेदन जितना आया इसको गिन के हम लोग डिस्ट्रिक्ट कार्यालय पहुंचा दिए, ये हमारा काम का निष्पादन हो गया। काम हुआ कि नहीं वो निष्पादन नहीं है, पब्लिक क्या सोचेंगे? निष्पादन ये होना कि आवेदन का काम मेरा हो गया तो निष्पादन माना जाता है और इसी डाटा को निष्पादन मानते हैं। माननीय सदस्य, आपके पीछे और दो आदमी है, हम लोग काफी लेट चल रहे हैं, थोड़ा कंक्लूड कर दीजिए। आप थोड़ा सबके साथ व्यवहारिक हो, मेरे साथ आपके साथ भी हो रहा है, आप थोड़ा सा कभी कभी मैं आपके ऊपर तो बोल ही नहीं सकता है, वो बात नहीं कर रहे हैं, हमको भी वो इच्छा नहीं है, लेकिन आज का परिवेश, आज का समय, सारा चीज, हर दिन जब मैं खड़ा हूं ज्यादा तो परिवेश क्यों आ जाता है? अच्छा, क्या करिएगा, सब कभी कभी बेमौसम भी बादल गरजता है, क्या करिए? मैं जो कहना चाह रहा था, मैं बहुत कुछ नहीं, थोड़े से बात रखूंगा। वो दो बार के आवेदन का निष्पादन नहीं हुआ, तीसरी बार भी गए तो आवेदन भरने गए, हो सकता है मैं पेंशन पर बात जो किए हैं वो उसका रिजल्ट मिलेगा, जो काम किए हैं वो आएगा, उसका परिणाम रहेंगे आपके। एक मिनट सुदेश जी, एक मिनट बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? अरे हमारे माननीय सदस्य जो बहुत अनुभवी हैं और उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कहां का आंकड़ा चाहिए, कहां का डाटा चाहिए, किस जिले का, किस विधानसभा का, कि जहां आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम हुए और जो जितने भी आवेदन आए
उसका निराकरण नहीं हुआ, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, बता दे अपने विधानसभा का कितने विधानसभा का। बोलिए बोलिए सुदर्श जी, अच्छा जी चलिए बोलिए। मेरे मेरे भाई मंत्री भी रहे हैं, वो भी जवाबदेही जिम्मेदारी उनकी भी है। अगर इस तरह से मैं विभागीय चर्चा में बात में आऊंगा, जब विभागीय चर्चा होता है तो हम लोग आएंगे प्रतिकूल देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि गढ़वा के किसी गांव और किसी पंचायत में चल जाएंगे आज ना, तो वहां भी ये उदाहरण मेरे मंत्री जी को मिल जाएगा, मेरे पूर्व मंत्री जी को मिल जाएगा, ये मिल जाएगा वहां भी। मैं कहने के पीछे का केवल एक सार था इसमें, ये क्यों मैं बोल रहा था, ये सारे आरोप मैंने कहा किनारे कर दीजिए, इसके माध्यम से आज जनता का भाव खाली जानिए, जनता किस रूप से देखती है। हमारा सरकार का आईना होता है, उसका सबसे नीचे तबका का पदाधिकारी कर्मचारी और उसका कार्यालय कि सरकार कैसी चल रही है। जैसे हम लोग तापमान, शरीर का तापमान नस छू के शरीर की गर्मी से पता चलता है कि आपको बुखार है कि नहीं, उसी तरह छोटे कार्यालय में छोटे पदाधिकारी के अंदर चल रहे आचरण को ही आप सरकार का आचरण मानते हैं, यही सच्चाई। आज के दिन में अगर कोई भी कहीं पर किसी गांव में किसी क्षेत्र में आम लोग अगर अपनी बात और अपने हक की बात करते हैं तो सरकारी आचरण इस रूप से हो गया है कि वो खड़ा होकर सरकारी पदाधिकारी उसका जवाब देता है कि जहां जाओ जो करो मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता है। मान ये हिम्मत के साथ जिनको जो काम करना है, जिनको जिनको जिनके अधीनस्थ सरकार के जो इशारे सरकार के गाइडलाइन में काम करना है उनका मन इस कदर बड़ा हुआ है कि आप जाइए जहां जाइए वो कह देंगे जाइए मुख्यमंत्री तक जाइए, जहां जाना है जाइए, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है क्योंकि हम देकर आए। मैंने ये वातावरण है, ये वातावरण है। चलिए सुरेश बाबू अब आप समाप्त करिए, ये वातावरण है चलिए, और इसी वातावरण का ही आज एक माहौल बना है कि आप करना क्या चाहते हैं, आप आगे क्या करना चाहते हैं। देखिए नीतियां बनाने पर सरकार आई, बहुत बड़ा रोल रहा कि नीति बनेगी, स्थानीय नीति बनेगा, नियोजन नीति बनेगा, विस्थापित नीति बनेगा, चार साल में नीति तो नहीं बनी। अवसर आया एक कि लोग लंबे समय के बाद एग्जाम के लिए तैयार हुए कि परीक्षाएं आएंगी। आप ही का इसी सरकार में 30 नवंबर 2023 को एक अलग से पेपर लीक होने पर एक कानून बनता है, आप कानून बनाते हैं कि भाई पेपर लीक हुआ तो उम्र कैद नहीं तो 10 करोड़ रुपया तक का जुर्माना लेंगे, कोई परीक्षार्थी गलत करेगा तो कदाचार करते हुए पकड़ा जाएगा, उसके लिए भी सजा तय की है। लोगों ने इसका विरोध किया था। मैं इस पूरे आपके माध्यम से पूरे सदन से को ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आप ही का बनाया हुआ नियम कि इसमें कहा गया कि पेपर लीक होने और नकल से जुड़े मामलों पर बगैर प्रारंभिक जांच के एफआईआर और गिरफ्तार करने का प्रावधान किया गया है। अब बताइए ये न्यूज कब आया और आज कितना दिन बीत गया, आपकी ईमानदारी इसी में डोल जाती है कि अपने ही खुद बनाए हुए कानून पर एक एक्शन तक नहीं लिए, जबकि इस समय बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रदेश का है। मैं आदरणीय इस सदन के नेता से आग्रह करेंगे कि दादा और सभी लोग पूरा सदन समर्थन के साथ पूरा सदन एक मुस्त होकर समर्थन के साथ आग्रह करिए, समर्थन के साथ तो अच्छा लगेगा। अगर ये काम आप करिए, ये युवाओं की बात आप से लेकर सभी लोग करते हैं, उनके पक्ष में सभी लोग खड़े होते हैं, आज यहीं पर खड़ा होकर सब लोग एक मत होकर प्रस्ताव, इसकी जांच का प्रस्ताव ले लीजिए, इस पर एक्शन लीजिए, यही आग्रह करना चाहते हैं आपसे, ले लीजिए मुख्यमंत्री जी, ये इतिहास बन जाएगा। अपना परंपराओं को लेकर चलने वाले मुख्यमंत्री के रूप में मैं नहीं चाहता आपका परिचय बने। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज़ टीवी।